So good morning dear friends, today once again we will start with magnetism and matter. Yesterday there was your major test, so some days before we have taken the practice also, but as the time is concerned we are somehow lagging behind some classes, so I'll try to cope up with the syllabus. So today once again we will start with the magnetism and matter. So first of all we will start with one new law which is related with Earth's magnetic field, the horizontal component of Earth's magnetic field. So we'll start with one law which is called as tangent law. So but a tangent law is related with somewhere the horizontal component of Earth's magnetic field. What is it called as? Horizontal component of Earth's magnetic field then F, we can call it as a applied magnetic field. So H is the horizontal component of magnetic field. So this can be written as BH. You are knowing that. BH, BV, you are knowing. Okay. So, and F will be the applied magnetic field. So BH will be our horizontal component of Earth's magnetic field. And F will be applied magnetic field. So you will ask me, sir, what is this? So let me tell you. Suppose if I will have my BH in this direction . So suppose if I have my H in this direction and applied force in this direction and I have kept my magnet in this two magnetic fields. Now you can see that the two magnetic fields are perpendicular to each other. अभी आपको कुछ समझेगा नहीं जब मैं actual text आपको बताने के लिए चालू करूंगा तो समझेगा. तो अगर मैंने मेरा मैग्नेट इसके बीच में रखा है यहां में तो वो ऑसलेट करेगा. इट विल गेट ऑसलेट एंड इट विल बी बैलेंस्ड एट वन पोजीशन. इट विल गेट बैलेंस्ड एट वन पोजीशन. सो सपोज दिस इज अ मैग्नेट. सपोज दिस इज माय मैग्नेट. सो इट विल गेट बैलेंस्ड एट वन पोजीशन. डोंट एक्सपेक्ट अबाउट नॉर्थ साउथ पोल नथिंग. वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग. We want only these angles. So now my magnet is getting balanced in this. So if theta is the angle made by the magnet, magnet means needle, compass needle, you are knowing. So if the theta is the angle made by compass needle with the magnetic field H, then couple acts on the needle. So in this case, couple acts on needle, but net couple is zero. Couple means torque. Net torque will be zero. Torque will be acted. Means
एक्ट्स ऑन द निडल, इसका मतलब क्या होगा? द ड्यू टू द एच एंड एफ निडल विल हैव सम फोर्स विच विल मेक दैट टू रोटेट इन दिस वे, द सेम टाइम देर विल बी सम फोर्स विच विल बी हियर, सो कपल विल बी एक्टिव, बट एनी हाउ इट विल सेटल डाउन, सो यू आर हैविंग रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. आई टोल्ड यू ना अबाउट द फॉर्मूला फॉर टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सो दैट वी विल नॉट यूज. एंड एक्चुअली दिस टेंजेंट लॉ, ओनली लॉ इज देयर फॉर योर सिलेबस, नो डेरिवेशन इज देयर, बट फॉर कॉम्पिटेटिव्स यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द प्रॉब्लम्स, सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो अपने बोर्ड के लिए इसका ज्यादा यूज नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं खाली आपको लॉ बता देता हूँ. तो इन दिस केस क्या होता है, आपका जो एफ होता है वो होता है एच टैन थीटा, और ये एफ होता है एच टैन थीटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम टेंजेंट लॉ. क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट लॉ बोलते हैं. तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन द नीडल इन दिस केस सेटल्स एट सम एंगल विच इज थीटा. इन दिस केस द नीडल सेटल्स इट सेल्फ एट सम एंगल थीटा मेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस सच दैट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज एच, मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड द टैन ऑफ द एंगल ऑफ नीडल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. तो ये ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह ज्यादा ये नहीं है, इसी को कई कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं. कैसे लिख देते हैं? बी इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, यही है आपका सेम, बोथ आर सेम. तो आपकी कोई कोई बुक में आपको ये ऐसा भी दे सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा. यहाँ पे मेरा बी क्या है? अप्लाइड, ये जो मैंने एफ लिखा है ये मेरा बी है, एच क्या है? मेरा बी एच हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, एंड टेन थीटा मीन्स द टेन ऑफ द एंगल बिटवीन द नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच, नहीं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एच. कुछ भी लिखो आप, कुछ भी, दोनों भी सेम है, दोनों भी रिलेवेंट है, सेम है. तो अगर मैं इसको बी एच बताऊं, इसको बी बताऊं, तो मेरा कैसे बन जाएगा? बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा. कुछ भी आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट मी रिपीट, इफ देर आर टू फील्ड्स, वन फील्ड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अनदर फील्ड इज द अप्लाइड फील्ड, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्रॉस्ड फील्ड्स, इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स, मतलब ये एक ऐसा है दूसरा फील्ड ऐसा है. इन क्रॉस फील्ड में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो व्हाट हैपेंस? नीडल सेटल्स इटसेल्फ बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सच दैट बी इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, एंड टैन थीटा वी कैन से बी अपॉन बी एच. सो दिस टेंजेंट लॉ इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज यूअर कॉम्पिटिटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न. तो इसमें 101% प्रॉब्लम आपको आता है. ओके, इसको नोट डाउन करिए. इसके बाद हम जाते हैं टेंजेंट लॉ पे यूज कर करके हमने एक गैल्वेनोमीटर बनाया है, हमने मतलब मैंने नहीं बनाया, फिजिसिस्ट ने बनाया है,
और वो गैल्वेनोमीटर होता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसके बाद में हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसे कैसे बनता है दैट वी विल सी, एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज समवेयर रिलेटेड विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। सो बेटा विल स्टार्ट विद टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सो और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या बताया मैंने आपको? टेंजेंट लॉ बताया मैंने बी इज इक्वल टू बी एच एंड थीटा। तो अभी बी एच मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक कॉइल लेते हैं, दे टेक द कॉइल और उसको यहां पे ऐसा उसकी जो ये है उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हिच मेक्स द कॉइल, उसको एक बाजू को सेटल कर। ये सेटल करने के बाद, ये सेटल करने के बाद उनको यहां पे वो क्या रखते हैं, एक ऐसा डिस्क रखते हैं। डिस्क मतलब अपना नीडल, नीडल 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 रखने के लिए वो होता है। और डिस्क को अंदर एक नीडल कनेक्ट करते हैं, डिस्क को अंदर एक नीडल कनेक्ट कर देते हैं ओके, और इसको सर्किट में जोड़ने के लिए रखते हैं। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे देखो ये जो है ये मैं आपको इधर से ऐसा करके दिखाता हूं, आपका जो निडल है ऐसा है एक्चुअली, वो यहां पे दिखाने के लिए ऐसा, नहीं तो मैं आपको वैसे ही दिखाता हूं। दैट्स फाइन, दैट्स वेरी फाइन टू शो यू इन द हॉरिजॉन्टल ओनली। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिखता है बेटा, ऐसा अगर मैंने उसको निकाला, वेट फॉर अ वाइल, हमने अगर उसको ऐसे निकाला थोड़ा क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब पार्ट कितने होते हैं उसके, दो नहीं चार होते हैं ओके। सो सपोज मैंने इसको जीरो बोल दिया तो ये बन जाएगा 90, ये बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 270, ये बन जाएगा 360। सो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ 90 डिग्री ईच, फोर पार्ट्स ऑफ 90 डिग्री ईच। सो द डिस्क व्हाट एवर व्हिच इज देयर इट गेट्स डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स ऑफ 90 डिग्री ईच ओके। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स ऑफ 90 डिग्री ईच, और बाद में क्या करते हैं उसके ऊपर अपना स्केल डालते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट एंगल का स्केल बनाते हैं। तो एंगल का स्केल बनाने से हमें क्या होता है, हमें मालूम होता है कि कैसे वो अपना नीडल है वो घूमेगा। तभी नीडल प्लेस करते हैं, तभी क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये नीडल उसको ओरिएंट करेगा। तो ऐसा रखा है तो जहां जहां पे मेरा नॉर्थ होगा वहां पे वो नीडल नॉर्थ दिखाएंगे, और उसको परपेंडिकुलर, नीडल को परपेंडिकुलर एक पॉइंटर रखते हैं, वन पॉइंटर
perpendicular to the needle. तो एक पॉइंटर रखते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंटर परपेंडिकुलर टू नीडल. तो सपोज अभी मेरा ये नीडल है तो ये पॉइंटर यहाँ पे दिखाएगा. तो नीडल अभी यहाँ पे 0-180 दिखा रही है तो पॉइंटर आपका 90-270 दिखाएगा. ओके, तो एक बात आपने ध्यान में रखा, क्या क्या किया है, ये लिया है उन्होंने एक कॉइल लिया है, वी हैव टेकन वन कॉइल, देन वी हैव सेड दैट एन टर्न्स ऑफ द कॉइल. तो क्या हो जाएगा, इसके कॉइल के एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब ये कॉइल है तो सेंटर पे ये रख देते हैं. नाउ व्हाट दे आर डूइंग आपको मालूम है, अपने यहां अर्थ का कैसे होता है, ये एग्जैक्ट नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो ये जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो उसमें क्या करते हैं, दे आर डूइंग वन थिंग, दे आर कीपिंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, दे आर कीपिंग द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो एक कॉइल को ऐसे घुमाते हैं, यहाँ पे ऐसे घुमाते हैं, सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये मेरा कॉइल बन गया. ये कॉइल बन जाने के बाद, ये कॉइल है और बीच में मेरा ये डिस्क है. तभी क्या होता है, अभी क्या होता है, देखो अभी आपने ये समझा सब, आई विल रब दिस एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस एक्चुअली. तो क्या क्या हमने पढ़ा है, पहले हमने क्या पढ़ा, एक कॉइल लिया जाता है, वन कॉइल इज टेकन, आई मीन एन नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, टू द बैटरी एंड द कंपोनेंट्स, देन कॉइल के सेंटर को एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक डिस्क लगाते हैं, डिस्क के ऊपर 90-90 के इंटरवल में पूरा गोल राउंड पे उसको स्केल बनाते हैं. स्केल बनाने के बाद बीचों बीच डिस्क के एक नीडल को क्लैंप करते हैं, जो होता है मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल को एक पॉइंटर परपेंडिकुलर बनाते हैं. हो गया, अगर नहीं याद में रहेगा, हो गया, तो जस्ट यू मे गो बैक एंड यू मे सी द वीडियो अगेन. ओके, तो इसके बाद क्या होता है, अभी कॉइल को पहले बैटरी से जोड़ते हैं. तो अपना पहले गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है, अपन को गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए. तो अपन को करंट मेजर करना है, तो अपन ने पहला जो गैल्वेनोमीटर सीखा था दैट वाज मूविंग कॉइल. पहले वाला कौन सा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो ये एक वाला था. अभी ये जो दूसरा वाला है, ये जो अपना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ये इसको बोलते हैं मूविंग मैग्नेट. इसको एकदम ये करो VVIMP. ठीक है, तो इसको बोलो VVIMP. तो ये होता है मूविंग मैग्नेट टाइप. तो आपको MCQ में कभी कभी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन रिलेटेड, मूविंग मैग्नेट कौन सा होता है, तो अपन को मालूम होना चाहिए. मूविंग मैग्नेट का मतलब है, मूविंग मैग्नेट बोले तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एंड मूविंग कॉइल बोले तो अपना आइदर सस्पेंडेड टाइप और पाइवेटेड टाइप. तो अभी तक आपने कितना सीखा है, दो सीखा है, एक सीखा है सस्पेंडेड कॉइल टाइप, दूसरा सीखा है पाइवेटेड कॉइल टाइप, अभी तीसरा सीख रहे हैं ये मूविंग मैग्नेट टाइप. तो क्या करते हैं, कॉइल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करते हैं पैरेलल. ओके, और उसमें से करंट डालते हैं. तो अभी क्या हो जाएगा, कॉइल ऐसे है, तो कॉइल में से
सपोज ऐसा करंट हम पास करते हैं, या ऐसा ये कॉइल है, इसमें से हम ऐसा करंट पास करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स एट द सेंटर कॉइल विल हैव मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट किया है, तो कहीं तो भी अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा और ऊपर को मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय कॉइल। बस इतना ही फंडा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसका यूज करते हुए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपने प्लेस में कितना है ये बता सकते हैं, क्योंकि उसी उसी डिरेक्शन में अपना नीडल घूमेगा ना, तो जहां पे नीडल घूमेगा वहां पे हम वो कैलकुलेशन करके वी कैन फाइंड आउट वेयर इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन प्लेस। जिस प्लेस पे आप खड़े हो, जिस प्लेस पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये दिखाने का जिम्मेदारी है टेंजेंट बैरोमीटर का। इसका एकदम ब्यूटीफुली यूज करते हैं और हम निकाल सकते हैं। तो कैसे कैसे निकालने का, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में जाते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट में एकदम सिंपल है, अपने को करना है क्या, तो अपन ने क्या क्या सीख लिया? एक कॉइल होता है, कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ओके। कॉइल के बीचों बीच एट द सेंटर एक डिस्क लगा रहता है, 1990 के उसके पार्ट किए जाते हैं, चार पार्ट किए जाते हैं, 0, 90, 180, 270। उस डिस्क में एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल कंपास रखा जाता है, उसको सेटल करते हैं एकदम बीचों बीच, और बाद में कॉइल को करंट पास करके कॉइल को घुमाते हैं। ऐसी ऐसी है कॉइल, तो उसको ऐसा कर देते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होता है, कॉइल में करंट घूम जाता है। करंट घूम जाने से कॉइल में क्या होता है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और दो मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिलते हैं, एक मिलता है बी, एक होता है अपना बी एच। तो बी के लिए फॉर्मूला क्या है? बी के लिए फॉर्मूला मी नॉट आई अपॉन 2 R, बी के लिए मी नॉट आई अपॉन 2 R। तो अभी टेंजेंट लॉ अगर हमने यूज किया, बी इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, ओके। तो बी कितना है, मी नॉट आई अपॉन 2 R इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, और आई बन जाएगा मेरा बी एच टू बी एच इंटू आर अपॉन मी नॉट इंटू टेन थीटा। और इसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। तो मेरे को क्या मिल गया बेटा, मेरे को मिल गया आई इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। तो जितना एंगल, अभी यहां पे कैसे करेगा, यहां पे कैसे करेगा, ऑफ कोर्स ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इसका लेवलिंग वगैरह सब करना पड़ता है, ओके। इसका लेवलिंग वगैरह सब करना पड़ता है, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड यू गेट करंट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू दैट। तो इन दिस वे टेंजेंट गैनोमीटर का यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू द कॉइल। तो इन दिनों इसका ज्यादा यूज नहीं करते, तो करंट मेजरमेंट के लिए अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी, तो पहले पहले दिनों में इसका ब्यूटीफुली यूज करते थे। और बाद में ऐसा पता चला कि अपन को अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे निकालना है, तो अभी भी ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। किसी भी लेबोरेटरी में आप चले जाओ, किसी भी लेबोरेटरी में, तो हर एक लेबोरेटरी में आपको ये पक्का एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो यूज करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपन को ये आता है, तो वी विल कीप इट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आई विल नाउ गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ओके। सो आई सजेस्ट टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या क्या अपन को सीखना है, अपन को सीखना है एच, बाद में सीखना है आई, बाद में सीखना है काई। इसको क्या बोलते हैं, काई काई। ओके, ये एच, ये आई, ये काई, बाद में म्यू। ओके, बाद में म्यू। एच को क्या बोलते हैं, एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एच को बोला जाता है। आई को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको ये पूरा चीज है ना, ये समझेगा नहीं, सर ये क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी है इंटेंसिटी, ये भी है मैग्नेट का, ये भी मैग्नेटाइजेशन का बोल रहे, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो एक-एक करके हम उस सब सब चीज का डिफरेंस आपको समझाते जाएंगे। तो आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने पूरा नोट्स है वो लिख के रखा है मेरे पास, एंड विद दिस लेक्चर इज गोइंग ऑन यू विल हैव ऑल द नोट्स व्हिच यू कैन रीड व्हेन माय लेक्चर इज गोइंग ऑन और आफ्टर माय लेक्चर, सो कीप इन माइंड दैट। ओके, तो एक-एक करके आपको मैं सब बताते जाऊंगा। काय, अभी काय को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा ये सब चीजों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि अपन को पढ़ाई करने के लिए ऐसा मतलब पढ़ो पढ़ो भी कुछ काम देना चाहिए आपको इसलिए दिया, ऐसा कुछ नहीं है। Each and everything out of this, they are having their own importance, and it is called as the magnetic permeability. तो अगर आपको ये चार चीज मालूम है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर आपको दिखाई ना दिए इसलिए मैं लिख के रखना, ऑफ अ मटेरियल। क्या क्या सीखना है अपने को अभी, एच का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बाद में काई, काई का मतलब है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू का मतलब है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो ये चार पॉइंट अपन को सीखना है। सो विल स्टार्ट विथ वन बाय वन स्टडिंग ऑफ ईच पॉइंट। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो विल स्टार्ट विथ नंबर वन, नंबर वन विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बेटा ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल जो एस्पेक्ट है तो आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका डेफिनेशंस जो है वो आपको रिसाइट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं तो भी समझ के लेना पड़ेगा। तो पहले हम सीख लेते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको एच से दिखाते हैं, इसको इसको एच से दिखाते हैं। तो बेटा इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो अभी कैसे लिखने का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसे होता है, एक मटेरियल है, ओके, एक मटेरियल है, आपको मालूम है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, बेसिकली
वी कैन मेक टू टाइप्स, एक तो मटेरियल होगा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, दूसरा होगा मैग्नेटिक नहीं होगा, ये सिंपल है। लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ओके उनको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ओके। तो वो प्रोसेस में आपको एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टोरॉइडल सोलेनोइड कंसीडर करते हैं। आपको टोरॉइडल सोलेनोइड मालूम है, कैसे कंसीडर करते हैं हम? अरे ठीक नहीं है मेरा, इन द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रॉन इट वेरी बैडली। तो ऐसे एक टोरॉइडल सोलेनोइड कंसीडर करते हैं, और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, फॉर्मूला लगाया था म्यू नॉट एन आई, ओके। फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, फॉर्मूला लगाया था म्यू नॉट एन आई। तो इसमें जो एन आई होता है, ठीक से देख लो मैंने क्या क्या लिखा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको एच भी बोलते हैं, कभी कभी उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उसके लिए म्यू नॉट एन है एक तो सोलेनोइड नहीं तो टोरॉइड, तो हमने लिया टोरॉइडल सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड है उसको हमने टोरॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो उस टोरॉइड के लिए उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट टोरॉइडल सोलेनोइड, दैट कैन बी गिवन एज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां पे अभी ये जो एन आई वाला फैक्टर है, वी कैन राइट द सेम इक्वेशन एज सी मैथमेटिकली, उसको क्या लिख सकते हैं, पहले मैंने लिखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैंने कौन सा लिया, टोरॉइडल सोलेनोइड लिया, मैंने टोरॉइडल सोलेनोइड लिया, मैंने इक्वेशन लिखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो लिखने के बाद मैं एन आई को क्या बोला, एन आई को बोला एच। तो डिफाइन कैसे करते हैं बाद में दिखाते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, इसका मतलब मेरा एच क्या बन गया, एच बन गया बी अपॉन म्यू नॉट। तो इसमें से मेरा एच क्या बन गया, मेरा एच बन गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। बी क्या बोलते हैं, बी को बोलने का मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एकदम आराम से जा रहा हूं मैं, क्यों आपको समझने के लिए आना चाहिए, यू मस्ट बी नोइंग दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो किसी भी मटेरियल को अगर आपको मैग्नेटाइज करना है, क्योंकि नहीं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाना है, तो देयर इज अ नेसेसिटी, मच मोर वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ हैविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अप्लाई करोगे, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू इंड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इन दैट मटेरियल, तो वो उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, और वो मैग्नेटाइजेशन करने के लिए जो फील्ड यूज होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो पहले फर्स्ट डेफिनेशन हम कर सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, ये तो इट इज द डिग्री अप टू विच, डिग्री मतलब आपका एंगल वाला डिग्री नहीं, बोलते ना इट इज अ डिग्री अप टू विच दिस विल बी डन, डिग्री अप टू विच, डिग्री मतलब एक्सटेंट कितना हो जाएगा, तो इट इज डिग्री अप टू विच द गिवन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज एबल टू मैग्नेटाइज द गिवन मटेरियल, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो लाइट से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे कनेक्ट करते हैं,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे लेते हैं, वो एम्पलीट्यूड वगैरह से उसको रिलेट करते हैं। तो किसी भी चीज का अगर इंटेंसिटी चाहिए, हाँ ये सब्जेक्ट का आपको इंटेंसिटी मालूम, बोलते बोलते भी बोलते हैं ना आपको मालूम नहीं सब्जेक्ट का इंटेंसिटी क्या है। अरे इंटेंसिटी मतलब क्या, उसका सीरियसनेस वहां पे, वो सब्जेक्ट के लिए सीरियसनेस, लाइट के लिए इंटेंसिटी मतलब वो हीट वगैरह कितना हो जाएगा, ये सब बहुत उसमें फैक्टर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब, अगर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज कर रहा है, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटाइजिंग द गिवन मैग्नेटिक मटेरियल मोर एंड मोर एट हाइयर एक्सटेंट, देन आई कैन से दैट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर दैट मटेरियल विल बी मोर। और इसी मटेरियल के लिए, इसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एबल टू मैग्नेटाइज दिस मटेरियल मच, देन आई विल सी दैट, आई विल से दैट माय इंटेंसिटी इज लेस। तो उसके लिए कैसे करते हैं, टोरॉइड सोलेनाइड लेते हैं, उसको एन नंबर ऑफ टर्न लेते हैं, तो उसमें से जो करंट जाता है आई, क्योंकि ये सब चीजें हैं मैग्नेटाइजेशन की, तो कहाँ पे आते हैं वो आता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें कैसे होता है, वंस द करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल सोलेनॉइड द सराउंडिंग एरिया विल बी डेवलप्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो सोलेनॉइड है तो वो लाइक अ बार मैग्नेट वो ट्रीट करने लगता है। तो उसी के कैलकुलेशन में, इन दैट कैलकुलेशन वी वांट हाउ मच एक्सटेंट गिवन मटेरियल वी कैन मैग्नेटाइज, दैट कैन बी गिवन बाय द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो इट इज अ डिग्री ऑफ एक्सटेंट अप टू व्हिच द गिवन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज एबल टू मैग्नेटाइज द गिवन मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। लिखते हुए कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, लिखने के लिए कैसा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच। गेटिंग माय पॉइंट, म्यू नॉट क्यों लिखा है मैंने, म्यू नॉट लिखा है इसलिए कि अगर हम इसको वैक्यूम लेते हैं, अगर लेकिन आपको इन जनरल लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा, आपको म्यू लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ेगा ये बाद में आपको मैं बता देता हूं। तो अगर मैं, आपने बी लिखा है तो इसको म्यू लिखो, मैं आपको बोलूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने इसको बी लिखा है आप इसको म्यू लिखो, तो म्यू, तो इसमें क्या होता है आपका, इसके बाद में आने ही वाला हूं, तो इन इन दैट पॉइंट आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज म्यू, व्हाट इज म्यू नॉट एंड व्हाट इज म्यू आर। तो अभी के लिए आप उसको बोलो एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, इट इज द डिग्री ऑफ एक्सटेंट अप टू व्हिच द गिवन अप्लाइड मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज एबल टू मैग्नेटाइज द गिवन मैग्नेटिक मटेरियल। ये थोड़ा सा ट्विस्टी है, इसको नोट डाउन करके लीजिए, इसके बाद हम इसका असाइनमेंट वगैरह देखते हैं। जस्ट सो आई सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। ओके तो इसका अगर डेफिनेशन करना ही है हमें, इफ वी एनी हाउ वी वॉन्ट टू मेक द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके सो वो डेफिनेशन करने के लिए हम डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज द, अरे यार सब सब लिख नहीं रहे, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर मीटर फॉर गिवन टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो ये थोड़ा सा बुकिश डेफिनेशन है, किसी भी दिए हुए टोरॉइडल सोलेनॉइड के लिए कितना एम्पियर टर्न्स आता है, क्योंकि हमने कितना लिखा है म्यू एन आई, और एन आई को हमने बोला है एच, तो कहीं पे भी एन लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स आई, ओके पर मीटर, टर्न पर मीटर लेंथ के लिए, बिकॉज ये टर्न पर मीटर बोलते हैं ना इसको, तो इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर मीटर फॉर गिवन टोरॉइडल सोलेनॉइड। ओके एम्पियर का मतलब करंट, करंट एम्पियर मतलब करंट आई, और टर्न पर मीटर मतलब एन, तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ एच, इट इज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर मीटर फॉर द गिवन टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसके बाद में इसका एसआई यूनिट, ऑफ कोर्स ये जो इन्होंने डेफिनेशन में दिया है वही उसका यूनिट बन जाएगा, एम्पियर टर्न पर मीटर जैसे बोला है वैसे आएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द
first point that is called as the magnetic intensity or magnetizing force. Okay. Now let's go for the next point. Okay. So before that, I'll suggest you to note it down. Then we'll go for the next point. Okay, beta. So now we'll go for the next point that is called as the magnetic permeability. तो जो हम लिखते हैं ना परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी ये अपना ये है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी तो उसको म्यू से निकालते हैं ओके तो ये परमियाबिलिटी क्या दिखाते हैं तो परमियाबिलिटी दिखाते हैं द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल तो लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से उसके जाते हैं तो कितना एक्सटेंट है इधर भी डिग्री ऑफ एक्सटेंट पड़ता है तो हाउ मच एक्सटेंट अप टू व्हिच द गिवन मटेरियल दैट मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर पेनिट्रेटिंग मतलब कभी कभी ऐसे होता है ये सपोज एक मैं कुछ एरिया लेता हूँ ये पूरा मटेरियल तो इसके अंदर में कहां तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे फील्ड लाइन जा सकते हैं अगर पूरा से पूरा जा सकते हैं तो एक अलग चीज है यहां अंदर तक जाके कहीं पे भी जो डाई आउट होते तो यहां से वो बाहर नहीं निकल पा सकते तो यहां का एरिया में मैग्नेटिक नहीं बोल सकता यहां के एरिया को कौन सा भी पोल मैं कंसिडर कर सकता हूँ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग व्हाट आई ट्राई टू I'm trying to explain you. ये concept ऐसा है तो permeability जहां जहां अपने को लगता है हम use ही करते हैं उसको mu तो आपको मालूम ही है तो mu का exact meaning क्या है That means the magnetic permeability means how much deep or how much inside the magnetic field lines are able to go. तो उसको book में अगर आपको definition पढ़ना है उसका तो आपको पढ़ के दिखाता हूँ it's a very great definition. It is the ability of material to allow the passage of magnetic lines of force through it. Okay. So, यहाँ पे ability of material to allow passage of magnetic field lines through it. तो ये कितना interesting भी दिया है देखो. मैंने वही चीज आपको बताया लेकिन मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताया मैंने क्या बताया था कितने अंदर तक पहुंच जाएगा तो उन्होंने डेफिनेशन कैसे किया है एबिलिटी ऑफ मटेरियल तो ये कौन बाहर का फील्ड नहीं डिसाइड करने वाला ध्यान से सुनिए ये सब पूरा पूरा मतलब थियोरेटिकल पार्ट है इसके लिए हमने उसको अपना अपना टाइम देके इसको पूरा कर रहे हैं और शायद आज इसको ज्यादा टाइम भी लग सकता है आज कल मिला के थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा लेके हम उसको पूरा करेंगे फास्ट नहीं ले लेंगे फास्ट नहीं हो जाएगा जाएगा अपने ही स्पीड से हालांकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे थोड़ा टाइम कंज्यूम है तो अपने पॉइंट पे आते हैं तो क्या है मटेरियल कितना अलाउ कर रहा है किसको पैसेज ऑफ किसका पैसेज मैग्नेटिक फील्ड है तो गिवन मटेरियल एक जो अगर आपको मटेरियल मैंने दिया सपोज ये मटेरियल है मेरे पास तो ये मटेरियल में अभी ये कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर अलाउ कर रहा है वो जो है वो फैक्टर उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट ओके यहाँ पे और एक दूसरा पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा मैंने वो लिख के लाया मेरे साथ कुछ कुछ चीजें हैं वो मेरे को भी लिख के रखना पड़ता है सेकेंड चीज इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एक्सटेंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ये इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा डिग्री ऑफ एक्सटेंट अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड ये आपको मैंने बताया था कैन पेनिट्रेट इनटू द मटेरियल तो डेफिनेशन अगर आपको चाहिए
मैग्नेटिक परमेबिलिटी की ये इट्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट. वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा, अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट इन टू द मटेरियल. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, आफ्टर दिस विल गो टू फाइंड आउट मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज और टू स्टडी द स्टडी नेक्स्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी. ओके, आई सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन. ओके बेटा, तो ये जो हमने बताया पहले, पहली चीज क्या बताया हमने कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल फॉर अलाउइंग, हाउ मच इट कैन अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दूसरा हमने क्या क्या सीखा कि कितना एक्सटेंट तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके मटेरियल के अंदर में जा सकते हैं. तो ये इसको बनाते हुए एक शॉर्ट डेफिनेशन मेरे को आपको मीन्स आई वॉन्ट टू गिव यू, आई थिंक दिस इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, तो आई सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन. मैंने बहुत सारे बुक से उठा उठा के इंफॉर्मेशन जमा किया, हर साल मैं करता हूँ, हर साल में मेरा नया नोट्स बनाता हूँ. ऐसा नहीं है ये पिछले साल का नहीं है, इस साल का अभी मैंने खुद बना के आपको दे रहा हूँ. अपडेट होना पड़ते हैं तो आपको भी मैं अपडेट करता हूँ. अभी आप देख सकते हो इस नोट को पहले वाले नोट से जाके चेक करो, बहुत डिफरेंस है. मतलब फिजिक्स तो बदलेगा नहीं, लेकिन द फॉर्म द वे इन विच आई एम गिविंग दैट दैट विल चेंज. सो आप लिख लो, इन शॉर्ट इट इज द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन स्पेसिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोला मैंने उसको, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन्स, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन्स इन द गिवन स्पेसिमेन. स्पेसिमेन मतलब क्या, जो कुछ आपको मटेरियल दिया है उसमें. तो पहले मैंने क्या देखा, एबिलिटी कितना है, दूसरा मैंने क्या देखा बाहर का अंदर कितने तक जा सकता है वो देखा, सब मिला के एक ही है. एक बार हमने एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक बार हमने कितना पेनिट्रेट करता है उसके देखा, अभी यहां में क्या देखा है, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन्स, मतलब उसमें फील्ड लाइन गैदर्ड है, अगर गैदर्ड है एकदम एक दूसरे के नजदीक है, इफ दे आर वेरी नियर टू ईच अदर I can see that much more magnetic field is there. Otherwise, if they are scattered enough, then I can see that magnetic field is less. इतना simple करके बताया उसको magnetic permeability. तो अभी आपको ये permeability में तीन केस आते हैं, तीन आते हैं. वो क्या है? That we will go for understanding. तो permeability में पहले आता है mu. इसको बोलते हैं permeability of मटेरियल. इसको बोलने का परमियाबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल, जो कुछ मटेरियल आपको दिया है उसको बोलने का परमियाबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल. इसके बाद में आता है, वो आता है म्यू नॉट. तो म्यू नॉट क्या है, ये होता है परमियाबिलिटी, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते वैसे इधर परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लेते, उसको क्या लेने का, उसको परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लेने का. और बाद में आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी. तो अगर आप कौन सा भी मटेरियल यूज कर रहे हो तो उस मटेरियल के लिए आप क्या यूज करोगे, म्यू. तो मैंने इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो म्यू नॉट लिखा था, मैंने हटा दिया और आपको क्या बोला, आप उधर म्यू लिखो, ऐसा बोला. तो हर चीज के लिए रीजन होता है. तो अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हो तो मटेरियल के लिए आप लिखोगे म्यू. अगर आप फ्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फ्री स्पेस के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, म्यू नॉट. एंड म्योर मतलब क्या, म्योर मतलब आपका क्या है, रिलेटिव परमियाबिलिटी कैसे बनेगा. तो अभी भी हमने देखा था ना, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. तो म्यू क्या बन जाएगा, बी अपॉन एच बन गया. म्यू क्या बन गया, बी अपॉन एच. तो अभी इसको लिख के लो, इसका डेफिनेशन भी मैंने दिया है तो वो भी लिखो. तो अभी ये इसको फॉलो करके हम सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं. पहले तो बनाया डिग्री ऑफ एक्सटेंट, सब सब बनाया. अभी सिंपल डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. क्या बनेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ
applied magnetic field to the magnetic intensity. Okay, लिख दे रहा इसका SI unit. SI unit क्या आएगा? SI unit B क्या है आपका? B applied magnetic field. वो क्या आएगा? वेबर आएगा. और H क्या आएगा? I think एम्पियर पर मीटर दिया था ना मैंने, एम्पियर मीटर दिया था है ना. H को क्या दिया था? एक मिनट, एक बार मैं चेक करता हूँ. H को एम्पियर पर मीटर दिया था ना, बराबर. सो वेबर पर एम्पियर मीटर आएगा. ओके, नहीं तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी आता है, तो आप लिख सकते हो टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके, ये इसको लिखो, ये इंपॉर्टेंट है. इसको क्या बोलेंगे? एस आई यूनिट भी बोलेंगे. मैं आपको एकदम स्लोली स्लोली सिंपल सिंपल में क्यों बता रहा हूँ, ये इतने चीजें हैं तो ये एक दूसरे में एकदम इतना इंटरकनेक्टेड है. आपका क्या, मेरा भी कंफ्यूजन हो जाता है. मैं कभी भी मेरा पेपर छोड़ के कभी नहीं भागता मैं, जो पेपर मेरा मेरे साथ होता है, क्योंकि दिस थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देम, इन ऑर्डर टू थिंक देम, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन दैट. तो ये हो गया अपना पूरा मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का. एक हो गया, तो इसका कितना बी अपॉन एच डेफिनेशन कैसे बन गया? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यूनिट कैसे बन गया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर बन गया. लेकिन वेबर आप यूज करोगे तो वेबर पर एम्पियर मीटर दिखाना पड़ेगा. हाँ, अगर वेबर यूज कर रहे हो तो वेबर पर एम्पियर मीटर. हाँ, टेस्ला कर रहे हो तो आपका सिंपल है, बी अपॉन एच, बी टेस्ला है, एच कितना है? एम्पियर पर मीटर. तो मीटर उल्टा ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा वो टेस्ला मीटर पर एम्पियर. उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप वेबर पर मीटर ले रहे हो तो वेबर पर मीटर, और वो वेबर पर मीटर स्क्वेयर आता है ना, तो आपको करके दिखाओ. ये देखो, वेबर पर मीटर स्क्वेयर अपॉन एम्पियर पर मीटर, है ना. तो ये कैसे बन गया? वेबर पर मीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर एम्पियर. इसलिए वो नीचे ही रहता है, वेबर पर एम्पियर मीटर. टेस्ला लिया तो डायरेक्ट होता है टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर, तो ये मीटर ऊपर जाएगा, इसलिए वो बनता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. में दो ये भी होता है, ये और ये ऐसा यूनिट है. म्यू बताया था, म्यू नॉट बताया था, और म्यू आर. तो म्यू का मैंने क्या, मैग्नेटिक मटेरियल का, म्यू नॉट वैक्यूम का, और म्यू आर इसको बोला रिलेटिव परमियर. तो अभी हम जाते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए. सिंपल एकदम, तो रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे डिफाइन करना है? तो रिलेटिव परमेबिलिटी डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल टू द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. सो इट इज द रेशियो ऑफ, अरे ये सब ब्लैक पेन मगर ये पूरा खत्म है. इट इज द रेशियो ऑफ permeability of given, अरे यार, given material to the permeability of free space. So it is the ratio of permeability of given material to the permeability of free space. तो कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन मी नॉट. ओके, बन गया. ओके, अभी इसका डेफिनेशन मैंने कर दिया, अभी इसका वैल्यू कितना है? वैल्यू तो हमने मैग्नेट में, मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने वैल्यू को तो देखा है. वैल्यू कितना आता है आपको भी मालूम है. मी नॉट अगर है, मी नॉट ये कितना लिखते हो आप? 4 पाई इंटू 10^-7. हाँ, अभी टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ फ्रेंड्स, वी विल बी डिस्कसिंग विद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई. मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमने सीख लिया. ओके, अभी हम सीखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो एच हमने सीख लिया, म्यू भी हमने सीख लिया, अभी सीख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन.
अभी तो ये सब पूरा फॉर्मूले जैसा है ना? अभी तो ये पूरा फॉर्मूले जैसा है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो लिखते हैं, ये क्या है, अ वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते समय मटेरियल कौन सा लेने का है, मटेरियल को लेते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल क्या है, तो इसके लिए हम इसके बाद में डायपेराफ्लो भी पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है ये हालांकि किसके लिए यूज करते, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज करते। तो डिफाइन कैसे करना है, इट इज द, फटाफट बता देता हूं आपको, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इंपॉर्टेंट क्या है डेफिनेशन इसका, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके लिए, फॉर गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो दिए हुए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जस्ट लाइक दैट आई टोल्ड यू, सो वी विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डायपेरा एंड फेरो। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपको ध्यान में रखना है, VIMP करके रखो इसको। अभी देखो अपना, सपोज एक मैंने मैग्नेट ट्रीट किया, इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, इसको बोलूंगा मैं मैग्नेटिक लेंथ 2A, इसको बोलूंगा प्लस एम माइनस एम। तो अभी आई कैसे लिख सकते हैं हम, एम मतलब 2L, ऐसे लिखता हूँ इसको, एम इंटू 2L लिखता हूँ, एम इंटू 2L बराबर। वॉल्यूम को कैसे लिखाऊंगा, एरिया इनटू मैग्नेटिक लेंथ, तो ये 12 12 कैंसिल कर जाएगा। तो क्या मैं इसको ही लिख सकता हूं अनदर डेफिनेशन, डेफिनेशन टू क्या बन जाएगा, डेफिनेशन नंबर टू, इट इज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल पर यूनिट एरिया। सो इट इज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया। तो हमने कैसे देखा, एक मैग्नेट लिया, उसके लिए नॉर्थ साउथ पोल देखा, उसका ये सब निकाला और उसमें वैल्यू में हमने ऐड किया, तो ये भी ऐसे आ सकता है। तो आई हम कैसे भी लिख सकते हैं, आई तो हम पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, देन विल गो फॉर द एसआई यूनिट ऑफ दैट। अभी हम देखते हैं आई का एसआई यूनिट क्या होगा, आई का एसआई यूनिट तो ये आएगा एम्पियर पर मीटर, आई का एसआई यूनिट क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें करने का जरूरत नहीं है। तो हमने अभी अभी तक क्या क्या सीखा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी सीखा, बाद में मैग्नेटिक परमियाबिलिटी सीखा, तीनों भी कैसे सीखा, म्यू म्यू नॉट म्यू आर, ओके। देन अभी हमने सीखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी हम लिखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार बनाओ, इसके ऊपर 100% प्रॉब्लम थियोरी सब आता है, इसको 5 स्टार बना के रखो, VVIMP करके रखो इसको। तो अभी हम आर्टिकल क्या सीखने वाले हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो कैसे दिखाते हैं, इसको एक्स नहीं बोलने का, इसको बोलने का क्या, बोलने का
काय, इसको क्या बोलने का, काय, तो इसका नाम है काय। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको ही हम बोलते हैं काय, दिखाने के लिए ऐसा दिखते हैं। ओके, तो ये क्या है, ठीक से देखो, तो ये भी एक रेशियो है, किसका किसका, I अपॉन M। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन करो। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक से लिखो, हाँ, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो ये भी इसको नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन आपने? हेलो, क्या नोट डाउन आपने? इसके बाद में हम आगे का देखते हैं। ओके, तो ये ससेप्टिबिलिटी क्या दिखाता है? ससेप्टिबिलिटी, आपको मैंने फॉर्मूला क्या दिया है, आई बाय एम, तो ये अपने जो मटेरियल है उसका एबिलिटी दिखाता है। तो इट शोज द एबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। तो किसी भी मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसका एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, जस्ट सी, ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर बट दे आर वेरी नियर टू इच अदर। पहले हमने देखा मैग्नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वहां पे एक्सटेंट देखा कितना होता है, तो उसको लिखा हमने बी अपॉन म्यू, बी मतलब अप्लाइड और एम मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या होगा, मतलब एक्सटेंट, डिग्री, हाउ मच डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी पॉसिबल। सेकंड देखा, सेकंड को हमने देखा परमियाबिलिटी, उसमें हमने क्या देखा कितना अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है, तो उल्टा किया, तो उसको एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एक्वायर द, हाँ, तो ये कहीं पे वो जो हमने परमियाबिलिटी लिखते थे और ये का है, तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल टू एक्वायर द मैग्नेटाइजेशन और वहां पे एबिलिटी, एबिलिटी टू अलाउ अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूरा ये मैग्नेटिक मटेरियल है, पूरा हर एक पॉइंट से उसको डिस्कस करके, उसका स्टडी करके ये अलग अलग प्रॉपर्टी बनाया है। ये क्यों इतना बनाया है, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर यूजफुल फॉर अस। सो हर एक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट हियर। तो ये हो गया, ये काय आता कैसे है, तो काय आने के लिए हमको मालूम है ये आई जो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो वो कैसे प्रोपोर्शनल होती है वो दिखाने का काम मेरा कौन करता है, वो दिखाने का काम अपना काय करता है। इसीलिए हम काय को कैसे लिखते हैं, आई अपॉन, ये सॉरी एम नहीं है, आई अपॉन एच होना है, वेरी सॉरी, आई अपॉन एच। एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वेरी सॉरी, उसको थोड़ा वीडियो में एक बार देख लो उसका, उसको करेक्ट करो। लेट मी रिपीट प्रीवियस, आई रोट देयर एम, दैट इज नॉट एम, दैट इज एच, मेरे गलती में हाथ से निकल गया वो। ऑफकोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपना एच है, पहले देखा है। सो इट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, सो आई विल बी इक्वल टू काई एम इन टू एच, तो काई विल बी आई अपॉन एच। तो और एक
डेफिनेशन है, वो बोले को सर कितना डेफिनेशन है, तो मैं भी अभी पक चुका हूँ डेफिनेशन डेफिनेशन, लेकिन क्यों अब क्या करेंगे, अभी अपने को सिलेबस में तो है तो करना पड़ेगा। तो और एक डेफिनेशन है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, बता दे जाता हूँ आपको, तो ये इस सेशन को बोरिंग मत समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अपना मार्क गवा बैठोगे। सो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन यू हैव टू कोप अप विद दैट, यू हैव टू एडजस्ट विद दैट, ओके। तो और एक डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है, काइन इज इक्वल टू आई अपॉन एच, तो इफ एच इज इक्वल टू वन तो काइन कितना बन जाएगा, काइन मेरा बन जाएगा आई। तो इसको ही डिफाइन कैसे, ऑल्सो डिफाइंड एज कैसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कब आएगा, पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एकदम सिंपल है, एक ही वर्ड को इधर उधर घुमा के वो किया है, तो इसको बोलते हैं ऑल्सो डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको काय को बोलते हैं। Are you getting my point? Okay. So I suggest you to note this down. Then we'll go for the next point. Total magnetic flux density. In naam pe mat jao. Matlab itna bura nahi hai. Kyun nahi to itna difficult kuch bhi nahi hai. Wo aap likhne ke liye aap aise likhte ho. To abhi kya karo? Main jo jo likh ke de raha hu usko note down kar de jao. ओके इसको बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे फ्लक्स डेंसिटी वगैरह क्यों दिया है, क्योंकि जैसे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे करते हो, फाई ई इज इक्वल टू कितना करते हो, ई डॉट ए। वैसे ही किसी भी सरफेस में से कितना फील्ड लाइन जाना चाहिए, एकदम सिंपल, एज सिंपल एज व्हाट एवर यू आर स्टडिंग दिस, ओनली इसको बी करने का, फाइव बी ये बनता है बी डॉट ए। तो दिए हुए सरफेस के पर यूनिट एरिया कितना फील्ड लाइन जाता है, इसका मेजर है फाइव बी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स तो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल गो थ्रू द गिवन एरिया ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एज द फ्लक्स, एंड फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी मतलब वही कितना फील्ड लाइन जाए, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड से। ओनली ओनली फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और यही मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन मटेरियल। तो जो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो दो हिस्से में होता है, एक तो फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, और दूसरा वो मटेरियल जो प्लेस किया है उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये होगा मतलब क्या, जब हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर फ्री स्पेस में करते हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा वो, और उस मटेरियल पे करते हैं तो कितना होगा वो आता है। तो अभी इसका दोनों का भी फॉर्मूला अपने पास है, तो मैं फॉर्मूला लिखते जाता हूँ एक एक, आप उसको नोट करते जाओ। तो बी क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा पहला बी नॉट, बी नॉट कैसे लेते हैं, बी नॉट यस 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 बी नॉट इज मी नॉट इनटू एच, ओके बी नॉट कैसे बन गया, बी नॉट इनटू एच। और ये जो बी एम होता है, बी एम उसको हम लिख सकते हैं मी नॉट इनटू आई। जैसे यहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई किया वैसे वहां पे
और हाँ, और इस बी को कैसे लिख सकते हैं, बी को म्यू इंटू एच, वो बाद में करेंगे। ओके, तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, तो ये पूरा मिला के कितना बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। ये डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है आपको, ये बोर्ड के लिए डेरिवेशन आता है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस प्लस मैग्नेटिक फील्ड इन दैट गिवन मटेरियल। तो मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस कैसे लिखेंगे, ये मी नॉट, इसको लिखेंगे मी नॉट एच, और इसको कैसे लिखेंगे, मी नॉट इंटू आई, तो मी नॉट इंटू आई प्लस एच। ओके, तो अभी आगे जाते हैं, आगे कैसे होगा, मी नॉट, अभी आई कैसा है, आई तो मेरा कैसे लिखते हैं, यहां पर मैं लिख करके दिखाता हूं, काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, है ना, आई अपॉन एच। तो मेरा आई क्या बन गया, काई इंटू एच बन गया, तो काई, इसको काई एम भी बोल सकते हैं, काई भी बोल सकते हैं, तो आई के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, काई इंटू एच, सो आई विल बिकम काई इंटू एच, तो यहाँ पे एच लिखता हूँ प्लस काई इंटू एच हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम आगे जाएंगे, हो गया, ठीक है। तो अभी हमने लिखा, क्या लिखा, बी इज इक्वल टू मी नॉट इंटू एच प्लस मी नॉट इंटू आई, और लास्ट में हमने क्या लिखा, मी नॉट इंटू एच प्लस काई काई इंटू एच, तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो मी नॉट इंटू वन प्लस काई इंटू एच, बराबर। अभी बी, मेरा बी कैसे आता है, मैंने आपको बताया था, अगर बी है तो आप लिखो म्यू एच, अगर बी नॉट है तो आप लिखो म्यू नॉट एच, और अगर बी एम है तो लिखो म्यू नॉट इंटू आई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पे भी नोट डाउन करके रखो, ये डेरिवेशन के लिए, अगर बी लिखना है तो म्यू इंटू एच लिखने का, अगर बी नॉट लिखना है तो म्यू नॉट इंटू एच लिखने का, और बी एम लिखना है तो म्यू नॉट इंटू आई लिखने का, हो गया काम। तो अभी ये कितना लिखेंगे, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन प्लस काई इंटू एच, तो एच ने एच को काटा, करेक्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, नेक्स्ट टू दिस द स्टोरी इज, एच ने एच को काटा, बाद में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू मी नॉट इंटू वन प्लस काई, एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नंबर वन। दूसरा फॉर्मूला बनता है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो हम अगर इसको इधर लेते हैं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट बन जाएगा वन प्लस काई। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर इज इक्वल टू, इसको म्यू आर बोला, वन प्लस काई, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, सॉरी, गिवन परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने हमने स्टार्ट किया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, तो क्या हो गया था, ये फ्लक्स डेंसिटी का डेरिवेशन नहीं है, वी जस्ट स्टार्टेड विद फ्लक्स डेंसिटी। तो हमने स्टार्ट किया बी से, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, बी को म्यू एच लिखा, बी नॉट को म्यू नॉट एच लिखा, बी एम को म्यू नॉट आई लिखा, आई प्लस एच क्या, मी नॉट को बाहर निकाला, आई को क्या बोला, आई को काई इंटू एच, तो ये पूरा करके आई गॉट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिविटी। आपको बोर्ड को 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन भी आ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिविटी। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरीज, यू मे आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू मे आस्क ड्यूरिंग दिस लेक्चर ऑल्सो, एज दिस लेक्चर विल बी ऑफकोर्स प्रीमियर एंड आई विल बी वॉचिंग विथ यू दैट यू आर नोइंग। तो ये पहले बताना चाहिए था, अरे यार ये लेक्चर के पहले बताना चाहिए, अभी लेक्चर खत्म हो गया, अभी बोल के क्या फायदा है, ओके बराबर ना, ओके। So that's all. Thanks a lot. Wish you a happy learning and
ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, डाउट पूछते रहो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.